तो गाइज अगर आप लोग भी पंजाब में रहते तो आप लोगों को कभी ना कभी तो इतफाक हुआ होगा कि पंजाब के फ्री वाईफाई को यूज़ करने का, और आप लोगों को इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में मुझसे बेहतर पता होगा कि इसकी स्पीड आप लोगों को क्या मिल रही थी और कैसे इसको आप लोग यूज़ करते थे। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा ये भी कि आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे हम लोग किया करते थे। अब मैं थे का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इस यानी कि मैंने आपको बताना ये है कि पंजाब का ये जो फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट आप लोगों को देखने को मिल रहा था, इसको कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से बैन, यानी कि इसको बंद कर दिया गया है। अब क्यों बंद किया गया है, क्या रीजन बनी इसके पीछे, वो मैं आगे चल के आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि हम लोग इस वाईफाई हॉटस्पॉट को यूज कैसे करते थे और इसकी क्या मतलब इनकी पॉलिसी वगैरह जो थी, क्या ऊपर हम लोगों को स्पीड मिलती थी। तो इस वाईफाई हॉटस्पॉट को आप लोग एक दिन में जस्ट 2 घंटे के लिए यूज कर सकते थे, यानी कि एक डिवाइस के ऊपर अगर आप लोग इस वाईफाई हॉटस्पॉट को यूज करते थे तो आप लोग को जस्ट 2 घंटे का टाइम मिलता था। अगर आप लोग तो आप लोग 2 घंटे कंप्लीट होते, उसके बाद आप लोग का ये हॉटस्पॉट जो है वो डिस्कनेक्ट, यानी कि आप लोग का इंटरनेट जो है वो इसके ऊपर नहीं चलता, ठीक है। फिर अगेन जब अगर आप लोगों ने इंटरनेट इसके ऊपर यूज़ करते तो आप लोगों को 24 घंटे के बाद दोबारा आप लोगों को इंटरनेट चलता था इसके ऊपर। तो अब आप लोगों को इसका ऊपर कोई भी पासवर्ड किसी किसी को नहीं था लगा हुआ, जैसे आप लोगों ने जहाँ पर भी इसके सिग्नल्स आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये अवामी जगह पर इसको लगाया गया था, यानी कि जहाँ पर आवाम का मोस्टली ज़्यादा रश होता है वहाँ पर इसको जो है वो ये डिवाइस चौबर लगाई गई थी पंजाब फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट की, और वहाँ पर आप लोगों को ये फ्री में मिला था, कोई भी किसी का पासवर्ड नहीं था लगा हुआ। जस्ट आप लोग इसको कनेक्ट करते थे और उसके बाद हम लोग एक वेब ब्राउज़र को ओपन करते थे, वहाँ पर एक हमारे पास वेब पेज ओपन होता था, उसमें हम लोगों को एक फॉर्म मिलता था जिसमें आप लोगों ने अपना यूज़र नेम और आप लोगों ने अपना नंबर वगैरह डालना था, और आप लोगों के नंबर के ऊपर फिर एक वेरिफिकेशन कोड आता था, वो आप लोग यानी कि इनके दोबारा वेब पेज के ऊपर जाकर लगाते थे और आप लोग का ये फ्री इंटरनेट जो चलने लग जाता था पंजाब फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट के ऊपर। तो गाइस इसकी जो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो मेरे एक दोस्त ने यूज़ किया है इसको, मैंने खुद यूज़ नहीं किया इसको, तो वो बता रहा था कि यार इसके ऊपर जैसे अगर लोगों ने आप नॉर्मल ब्राउजिंग करनी है, यानी कि अगर आप उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड करने हैं, मैसेंजर के ऊपर टेक्स्ट मैसेज सेंड करने हैं, तो उसके लिए बेहतर था, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हो यूट्यूब पे वीडियोस देखना चाह रहे हो, सॉन्ग्स वगैरह को सुनना चाह रहे हो, या फिर ओवरऑल कोई भी आप लोग यानी कि ब्राउजिंग करना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये बिल्कुल बेकार था। जस्ट आप लोग को एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो यार ये भी बहुत बात होती है कि आप लोगों को फ्री में इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी जाए, यानी कि मोस्टली लोग आजकल के दौर में व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों की व्हाट्सएप की कनेक्शन चल रही थी तो ये भी बड़ी बात है अगर आप लोगों को फ्री में जो है वो फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट जो वो दिया जा रहा था। आजकल के दौर में वैसे भी कोई किसी को फ्री पासवर्ड नहीं देता। तो गाइस यही था कि ये अब ये जो बैकएंड में सर्विस यूज़ कर रहे थे वो पिक्सल की सर्विस थी, यानी कि पिक्सल वालों से इन्होंने इंटरनेट लिया हुआ था ये जो फ्री वाई हॉटस्पॉट आप लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब आप लोगों को पिक्सल की सर्विस का तो पता ही होगा कि पिक्सल कैसे चलता है, अब ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है पिक्सल की वो ही पाकिस्तान में काफ़ी ख़राब है, तो इन्होंने उनको क्या वाईफाई हॉटस्पॉट यानी कि स्पीड देनी थी। तो गाइज अब ये बात कर लेते हैं कि उनको बंद क्यों किया, पाकिस्तानी हुकूमत ने जो इसको बंद करने का फैसला क्यों किया है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि ये जो इन्होंने पिक्सल के वाजबात जो वो अदा नहीं थे कि ये 15 करोड़ रुपये के वाजबात जो वो यानी कि इन्होंने जो पंजाब हुकूमत ने पे नहीं थे किए हुए पिक्सल को, जिसकी वजह से जो इन्होंने इस वाईफाई हॉटस्पॉट की सर्विस को जो वो ख़त्म करने का फैसला किया है। मौजूदा हुकूमत जो उनको उन्होंने ये फैसला किया है कि ये जो 15 करोड़ रुपये के वाजबात हैं ये हुकूमत के खजाने में जो वो बोझ बन रहे हैं, यानी कि ये हुकूमत के खजाने में बोझ बन रहा है ये पंजाब का फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट, तो लिहाजा इसको जो हम लोग कर देते हैं क्लोज पाकिस्तान यानी कि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान में तो नहीं सॉरी पंजाब के अंदर जो अब इस फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट को जो अब बाय बाय टाटा हो गया, यानी कि आप लोग इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकोगे कभी भी। जस्ट आप लोगों को नाम सुनने में आएगा कि कभी कोई फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट होता था पंजाब के अंदर जिसको आप लोग यूज़ करते थे और आप लोगों को वहाँ पर जस्ट व्हाट्सएप के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलती थी। तो गाइस अब आप लोग दोबारा इसको वाईफाई हॉटस्पॉट को कभी भी फ्री में यूज़ नहीं कर सकोगे, क्योंकि इसको कर दिया गया है पाकिस्तान में बैन, यानी कि पंजाब में इसको कर दिया गया है बैन, अब आप लोग को दोबारा इसको कभी भी यूज़ नहीं कर सकोगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग को समझ लगी होगी कि आप लोग यानी कि दोबारा वाईफाई हॉटस्पॉट का नाम मत लो फ्री का। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक एंड शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं चैनल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।